एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये देखो, और इनको अभी बज रहे हैं सुबह के 3 और जो मैडम भी उठ गई हैं। ये लोग तो उठी हैं काम करने। ये देखो, ये मैडम भी उठ गई उनकी मदद करने के लिए, है ना। आयु, आप क्या करोगी सुबह 3 बजे उठ के? चाय पीने के लिए उठी हो? मिला दो। फिर अच्छे से हाथ से मिला दो। ये देखो, हमारी मैंदा पीस रही है, पापा मैंदा पीस रहे हैं। ये देखो, यहाँ पे बर्तन धुल रहे हैं, सारे धुले धुलाए बर्तन फिर से धोए जा रहे हैं। ये देखो, फिर से बर्तनों का ढेर लग रहा है, पूरे घर के बर्तन फिर से साफ होंगे। और ये रही हमारी बड़ी बुआ जो कल आई है और ये बर्तन साफ कर रही है। क्या पता नहीं, हाँ चल रहा है अभी। और हम लोग हो गए हैं रेडी और अब हम लोग चले मंदिर। आयु भी जा रही है, ये देखो कौन कौन जा रहा है। और ये भी जा रही है, मंदिर जाएंगे। कहाँ जा रही हो आप? भाई साहब ले जाएंगे। किधर है? काऊ नहीं है बेटू, हॉर्स। कहाँ जाओगी आप? बाबू किधर जा रही चेक करने? जय कैसे बोल हाँ बोल रहे थे, रखिए इधर से भी चली आई। तो अंदर क्या रखा है? अंदर रखी है मैंदा। तो मम्मी सारे दरवाजे बंद करके जा रही हैं ताकि कुछ भी अंदर नहीं जाए। हाँ, कुछ अंदर नहीं जाना चाहिए, सारे दरवाजे बंद कर दिए। ये लो, अभी चलो मंदिर। वही रखा है पापा जी ले गए। क्या है? डॉग। और ये देखो माता जी, बोलो जय माता दी। मम्मी यहीं कर लो पहले, चलो 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 सब पूछा कर। बोरी हो रहा है तुम उठे कम संभाली। ये देखो झांकी, जे जे के का लाए थे। जय बोलो। देखो जय हो रही है इनकी। जय माता जी। ऐसे करते हैं जय। कौन है बेटू ये? हमारा टीका। टीका नहीं लगा तुमने? हम देखो टीका लगा, हमारा टीका लगाओ, टीका लगा एक बार और लगा। और बोलो बस बस मंथली। चलो जय जय ये वो मैंदा है जो सुबह पापा जी ने पीसी थी। अब इसको अच्छे से भुआ जी छान रही हैं। छानने के बाद इनकी पूरी बनाई जाएंगी और ये पूरियां शुद्ध देसी घी में बनाई जाती हैं और फिर इन्हीं का भोग लगाया जाता है माता जी को।
आप इन पूरियों को भोग लगाने के बाद किसी और को नहीं दे सकते, ये सिर्फ वो ही खा सकते हैं जिनके घर में ये माता पूजन होती है, जो ये माता पूजते हैं। ये वाली पूरियाँ आप अपनी फैमिली के अलावा किसी और को नहीं दे सकते हो। और अब मैं बना लेती हूँ खिचड़ी, क्योंकि आज सबका फास्ट है। घर में ऐसे तो 9 दिन ही था, बट आज भी है। जो नहीं रखता वो आज तो जरूर रखता है। अभी इसको ढक के पकाते हैं 2 मिनट। तो ये है वो मेहंदा की पूड़ी। इनको इतना बड़ा बेला जाता है, फिर इन्हें घी में सेकते हैं और फिर इनका भोग लगता है शुद्ध गाय के घी में, जो यूज़ किया हुआ ना हो पहले से। और घी के अलावा किसी और चीज़ में नहीं सेक सकते। लोगों की माता पूजन की पूड़ी रेडी हो चुकी है बनकर। अब उनको शाम को मंदिर में लेके जाएंगे, फिर उनका भोग लगेगा। अभी उनको यहाँ पे से पैक करके रख दिया है इस डलिए के अंदर, क्योंकि इनको ऐसे डलिए में लेके जाते हैं। बहुत सारी पूड़ी होती हैं, फिर उनकी पूजन होती है, वहाँ पे भोग लगता है, इसके बाद वो वापस घर में आती है। हाँ, और आइन से कितने लोग मिलने आए, और आइन देखो कैसे छुपी बिल्ली की तरह छुप गई। ये देखो, एक ये मामू है और मामू का है उधर है। ये लड़की देखो भैया कैसी छुपी हुई है। देखना आयु आप कैसी दिख रहे हो, गंदे गंदे। और देखो कैसे गंदे देखे, और ये देखो ऐसे ऐसे चेहरे देखेंगे जो कभी नहीं देखे है ना। क्यों आई, कौन कौन दिख रहा है? ये एक मामू भाग गया और 2 ये है। ये देखो, और ये और इनका रोना शुरू। बहुत डर रही है वो तुम लोग। दे ये देखो, ये बुआ जी की बन रही है कड़ी। कड़ी कौन खाएगा? आयु खाएगी। अरे रे बहुत देखती है और फिर रोती है वो। क्या? हाँ खेल लो। ये मंदिर है जहाँ पे पूजन होती है। सब अपनी पूड़ियाँ माता का भोग वहाँ पे लेके जाते हैं और पूजन करते हैं, जहाँ पे लेडीज का जाना अलाउ नहीं है। हम लोग कल जाते हैं, बट आज सारे जेंट्स आते हैं। बाबू देख लो यहीं से। हाँ यहीं से देखो, यहीं से। क्या कर रहे हैं ये लोग? क्या कर रहे हैं ये? जय कर रहे जय। तो आज का ब्लॉग हम लोग यहीं खत्म करते हैं। हैप्पी नवरात्रि, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।